को क्लैडिंग मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़िया मिल रहा है। इसको देख के तो बिल्कुल एलॉय व्हील जैसा फील आता है। अब ये जो है प्रैक्टिकल रूफ रेल्स है, वो ईगल बीक डिजाइन में इसके टेल लैंप्स मिल जाते हैं और ब्राउन कलर जो है ना काफी ज्यादा सूट कर रहा है इसमें। चार स्पीकर्स और दो ट्विटर्स मिल जाते हैं, तो हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। कलर स्कीम बिल्कुल न्यू है, देखने में काफी रिफ्रेशिंग लग रही है। पूरा ग्लॉसी फिनिश में दिया सिल्वर कलर में। आप देख सकते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी यहाँ पे बटन मिल जाता है। कहीं भी जो है ना आपको स्पेस की दिक्कत नहीं होने वाली रेनो ड्राइवर में। बड़ा तेज झटका दिया है इसमें, तो इसमें आपको टोटल चार एयरबैग का सेटअप दिया हुआ है। कंफर्ट एयर काफी बढ़िया इसमें मिल जाता है। अब जो न्यू सेफ्टी फीचर्स आ गए उसके बाद में ये और ज्यादा सेफ हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं इंडिया की सेफेस्ट 7 सीटर रेनो ट्राइबर। अब यार अपनी जो रेनो ड्राइवर थी ना, सेफेस्ट तो थी 7 सीटर में, अब ये और भी ज्यादा सेफ हो गई है BS6 फेज 2 आने के बाद में। बहुत सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स अब इसमें ऐड हो गए हैं, तो पहले से अब ज्यादा ये सेफ हो गई है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं रेनो ड्राइवर के RXZ टॉप वेरियंट के बारे में। इस कलर के साथ में, ब्राउन के साथ में काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव लग रही है। सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। अगर आपका रेनो ड्राइवर लेने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें जो है ना आज हम डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। यार सेफ्टी तो है, साथ में प्रैक्टिकलिटी काफी बढ़िया, और जो प्राइसिंग है ना वो भी काफी ज्यादा इसमें अट्रैक्टिव आपको मिलने वाली है। अब वो कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें रेनो ड्राइवर के RXZ वेरिएंट की, ये सिंगल टोन के साथ में इसमें आपको एक डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 8,22,000 में आपको एक्स शोरूम आ जाती है, और इसके अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 9,29,000 में आपको ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है, और इस वक्त हम है SR मोटर्स रेनो शोरूम बालाघाट में। तो इनकी जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, और साइड में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इसमें भी आप कॉल करके बाकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। यार अफोर्डेबल होने की जो बात है ना, रेनो ड्राइवर से बेस्ट किसी में आपको नहीं मिलने वाली है। वैल्यू फॉर मनी वाली जो चीज़ है तो वो आपको रेनो ड्राइवर में सबसे बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि प्राइस काफ़ी बढ़िया है वो मैंने आपको बताया, सेफ्टी काफ़ी बढ़िया है, अब एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी आ गए, और साथ में जो प्रैक्टिकलिटी है वो भी अभी हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। देखिए यार रोड प्रेजेंस कितना बढ़िया है इसका लगता है। फ्रंट में आप देखिए आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इसमें मिल जाएंगे जो आपको SUV इंस्पायर्ड लगेंगे। अब इसकी अगर ओवरऑल विड्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको 1739 mm ओवरऑल विड्थ मिल जाती है। अब सेंटर में अगर देखिए तो आपको रेनो का लोगो मिल जाता है। 3 स्लेट आपको क्रोम की डिज़ाइन मिल जाती है। अब हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं लो बीम के लिए। हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ दिया हुआ, पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप है। नीचे अगर हम आते हैं तो आपको LED DRLs मिल जाते हैं। अब ये देखिए यार इसकी जो डिटेलिंग है, क्रोम आपको मिल जाता है, स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, ओवरऑल जो है ना काफ़ी बढ़िया आपको क्वालिटी मिल जाती है। फिट एंड फिनिश भी जो है ना सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं वन बाय वन, आप वीडियो में बने रहिए। अब SUV इंस्पायर्ड वाली बात बोल रहा था मैं। अब सबसे पहले यार फ्रंट प्रोफाइल के देखिए आप, ओवरऑल लुक्स ऐसे आते हैं रेनो ड्राइवर के फ्रंट प्रोफाइल से। अब साइड प्रोफाइल में अगर हम जाते हैं तो आप देखिए आपको क्लैडिंग मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। वो कितना है इसमें आपको 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो यार वो भी जो है ना बेस्ट इन सेगमेंट है। अब जो SUV वाली जो बात हो रही थी, इंस्पायर्ड वाली जो बात हो रही थी SUV से, वो इसीलिए क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया आपको मिल रहा है। अब देख सकते हैं फ्रंट में आपको स्किड प्लेट भी दिख रही है, साइड में क्लैडिंग भी दिख रही है, तो यार ये सब चीज़ें जो है ना इसको SUV इंस्पायर्ड बनाती है। अब व्हील्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसके सेक्शन की बात करें तो 185/65 R15 15 इंच के इसमें आपको व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यार इसको देख के तो बिल्कुल एलॉय व्हील जैसा फील आता है, बट ये है स्टील रिम। अब ये है तो वैसे फ्लैक्स व्हील्स, ये देख सकते हैं आप व्हील कवर से, लेकिन देखने में ना बिल्कुल ये एलॉय व्हील वाला फील देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक, तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। अब ORVM की अगर बात करें तो आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। टर्न सिग्नल्स इसमें इंटीग्रेट किए हुए हैं। अब ये जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। अब टॉप साइड में देखिए यार आपको रूफ रेल्स भी मिल रहे हैं। अब ये जो है प्रैक्टिकल रूफ रेल्स है, 50 kg के लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में आता है। अब यार कुछ न्यू जो है ना जो चेंजेस इसमें आए, सिर्फ सेफ्टी फीचर्स की चेंजेस नहीं आए, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं ना वो चेंज हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्रोम आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, अब देखने में काफ़ी जो है ना प्रीमियम ने सही लाते हैं। अब ग्लास एरिया देखिए आप, पूरा का पूरा ग्लास एरिया देखिए, थर्ड रो तक आपको बड़े ग्लास मिल जाते हैं यार, अंदर से काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होता है इसमें। अब ए पिलर और बी पिलर पूरा ब्लैक्ड आउट किया हुआ है। अब रियर साइड में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें रेनो ड्राइवर की, तो इसमें आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है,
अब इसके अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको लगभग 20 kmpl का ARI के साथ में क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। अब इससे ज़्यादा का भी ये परफॉर्म करती है, इसके जो ओनर्स हैं इससे ज़्यादा का जो माइलेज है ना इससे क्लेम करते हैं। तो साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लुक्स आते हैं रेनो ड्राइवर के RXZ वेरिएंट के। अब रियर प्रोफाइल के साइड में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब टॉप साइड में अगर देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर और वाइपर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है RXZ वेरिएंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वॉशर की भी यूनिट मिली हुई है। सेंटर में अगर देखिए तो रेनो का लोगो, ड्राइवर की बैजिंग और रेनॉल्ट की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। अब कैमरे की बात करें रियर व्यू कैमरे की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है। टेल लैंप्स की अगर बात करें तो आपको ईगल बीक डिजाइन में इसके टेल लैंप्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेक लैंप्स, इसके टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैंप आपको एक ही मिल जाता है इस साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की अगर बात करें तो आपको 1, 2, 3 पॉइंट्स आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और नीचे मिल जाते हैं आपको स्किड प्लेट। तो यार मतलब चीज़ें देखो मतलब ऐसी मिल रही हैं आपको। एक तो प्राइसिंग इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल रखी है रेनॉल्ट ने और फीचर्स देखिए आप कितने बढ़िया मिल रहे हैं आपको। वन बाय वन काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं यार इसमें, आप बने रहिए वीडियो में, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है। तो यहाँ से आपका बूट स्पेस ओपन हो जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं दो लाइट्स मिल रही हैं और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब ये जो है सेटिंग ऑप्शन की अगर बात करें रेनो ड्राइवर में तो यार 100+ सेटिंग ऑप्शन का ये क्लेम करते हैं रेनो में। और यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, मतलब अल्ट्रा मॉड्यूलेशन का जो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वो रहता है। अब यहाँ आप स्क्रीन में देख रहे होंगे इतने आपको अल्ट्रा मॉड्यूलेशन के इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। सीट को आप इजीली डिटैच कर सकते हैं और यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एज ए 5 सीटर भी यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर आप 7 सीटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया 625 लीटर आपको यहाँ से ये डिटैच करने में मिल जाता है, पूरा फ्लैट हो जाएगा और यहाँ पे आपको इतना कुछ बूट स्पेस मिल जाता है। लगभग इसमें 82-85 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ऊपर अगर देखें तो आपको क्लैडिंग मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो ये हो गया। अब ओवरऑल रियर प्रोफाइल से देख सकते हैं कुछ ऐसे लुक्स आते हैं रेनो ड्राइवर के RXZ वेरियंट के। अब मुझे लगता है रियर प्रोफाइल तो कम्प्लीट हो गई है यार। ब्राउन कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है इसमें, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब डायमेंशंस की अगर बात करें तो यार अंडर 4 मीटर ये कार है, 7 सीटर के पूरे ऑप्शन दे रही है, प्रॉपर आपको सिटिंग अरेंजमेंट दे रही है, बट कॉम्पैक्ट कार है। डायमेंशंस कितने हैं, 3991 mm इसकी ओवरऑल लेंथ है। विड्थ मैंने आपको बता दी 1739 mm। अब व्हील बेस की अगर बात करें तो 2636 mm की इसमें आपको ओवरऑल व्हील बेस मिल जाता है। इंटीरियर स्पेस भी जो है ना अभी हम अंदर जाके चेक करते हैं कितना आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया मिलता है, इससे पहले भी मैंने देखा हुआ है काफ़ी बढ़िया इसमें आपको इंटीरियर स्पेस मिल जाता है। तो चलिए मुझे लगता है जो बाहर का जो एक्सटीरियर है वॉकराउंड सारी चीज़ें हमने देख ली है, अब इंटीरियर में हम देख लेते हैं कि RXZ में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं ड्राइवर में। तो यार ये तो मैंने आपको बता दिया, क्रोम में मिल जाते हैं डोर हैंडल्स। डोर ट्रिम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिश में आपको डोर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं, आपका जो एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकली आपके ORVM के यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल। अब इसमें स्पीकर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। तो ये इसके साउंड का सेटअप है, अंदर मैं आपको बताता हूँ इसका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो अभी हम देखते हैं। सीट्स की अगर बात करें तो आप देखिए यार इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है बट सीट की क्वालिटी की बात करें तो यार काफ़ी बढ़िया सीट मिल जाती है आपको। हेडरेस्ट की अगर बात करें तो आपको फिक्स्ड मिल जाते हैं बट पोजीशन काफ़ी हाई दी तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलिए अब अंदर बैठ के हम देख लेते हैं कि आपको फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं RXZ टॉप वेरियंट में ड्राइवर के। तो सीट को मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और गेट को हम कर लेते हैं बंद जिससे शोर हो जाएगा थोड़ा कम। तो ये हो गया। अब स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि डी कट शेप में दिया हुआ है। अब स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट साइड में आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल्स। अब इसकी अगर की बात करें तो ये देख सकते हैं ऐसी कुछ चाबी मिल जाती है, स्मार्ट एक्सेस कार्ड इसको बोलते हैं। अब इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां आपको लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है और पीछे आपको रेनो का लोगो। स्टेयरिंग व्हील मैंने आपको बता दिया। इसके अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। तो ये हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं वो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिल जाता है और ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म में दिया है। अब यार न्यू जो चेंजेस है ना वो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं कलर स्कीम बिल्कुल न्यू है और देखने में काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रही है ये। अब लेफ्ट साइड में अगर देखें तो टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में MID और राइट साइड में फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज आपको मिल जाता है। अब जो न्यू RDE नॉर्म्स आ गए उसके भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें, तो आप बने रहिए, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ। इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल यूज्ड एवरेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस इंटरवल दिखा रहा है, सेट टायर प्रेशर TPMS भी आपको इसमें मिल जाता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इतने देखिए आप ट्रिप ए ट्रिप बी,
तो बहुत सारे जो फीचर्स हैं आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब सेंटर कंसोल की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें, तो आप देख सकते हैं डुअल टोन में दिया, और ये देखिए पूरा ग्लॉसी फिनिश में दिया सिल्वर कलर में, देखने में काफी बढ़िया लगता है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पे 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अब ये कनेक्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को, वायर से आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी काफी इसमें आपको डिसेंट मिल जाती है, और ये देख सकते हैं यार इसका जो इंटरफेस है ना काफी सिंपल टू यूज है। और यहाँ अगर देखे तो आपको वॉल्यूम का बटन मिल जाता है, नीचे अगर देखे तो आपको डेडिकेटेड वॉइस कमांड का भी फीचर दिया, यार ये काफी बढ़िया चीज है। अब यहाँ पे अगर देखे तो आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है, हैजार्ड का बटन लॉक करने के लिए, और ट्रैक्शन कंट्रोल आप देख सकते हैं, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी यहाँ पे बटन मिल जाता है। तो न्यू जो आरडी नॉर्म्स आ गए उसके सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं आपको, उसके बारे में आपको बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस, और देख सकते हैं पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, अब ये जो है ये भी इल्यूमिनेटेड दिया हुआ है। उसके नीचे आपको यूएसबी और ऑक्स की कनेक्टिविटी, और यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है। अब पीछे हम आते हैं तो आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है, सेम इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब इसको अगर आपको रिवर्स में एंगेज करना है तो ऐसे पुल करके आपको ऐसे एंगेज करना पड़ेगा। तो रिवर्स कैमरे की अगर बात करें तो आप देखिए क्वालिटी काफ़ी डिसेंट दी है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ से न्यूट्रल करते हैं, पीछे आते हैं हम तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ में। और ये देखिए यार स्पेस की बात करें ना रेनो ड्राइवर में, तो आपको यार स्पेस तो एकदम भर भर के मिलता है, कहीं भी जो है ना आपको स्पेस की दिक्कत नहीं होने वाली रेनो ड्राइवर में, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अब देखिए यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं आपको दो दो ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको मिलता है ये ग्लव बॉक्स, साइज काफ़ी बढ़िया है। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ये जो है कूल्ड है, और यहाँ आप देखिए ऑर्गेनाइजर भी दिया हुआ है यार, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, अब ये भी जो है यार देखिए आप कूल्ड दिया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। दो आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, और ये देखिए ये जो बटन है जो आपकी रियर एसी वेंट से उसका कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब टॉप साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, IRVM मिल जाता है, आप डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और बड़ा तेज झटका दिया यार इसने तो। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको माइक मिल जाता है, अब यहाँ पे आपको कैबिन लैंप मिल जाता है जो कि हेलोजन है, और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब रेनो ड्राइवर RX-Z में आपको सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SRP एयरबैग, मतलब ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, ये डुअल एयरबैग हो गए, और दो एयरबैग मिल जाते हैं आपको सीट्स के साइड में, तो इसमें आपको टोटल 4 एयरबैग का सेटअप दिया हुआ है। EBS EBD इसमें आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड, और जो न्यू RD नॉर्म्स है उसकी भी सारे जो सेफ्टी फीचर्स है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब वो क्या है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको बटन यहाँ पे दी हुई है डेडिकेटेड। अब इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, और TPMS। अब इसको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देखिए ESC ऑफ, ESC ऑन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, तो ये जो फीचर्स हैं आप यहाँ से मैनुअली सेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब सारी चीज़ें मुझे लगता है फ्रंट की मैंने बता दी है। अब सीट्स की अगर बात करें तो आप देखिए यार अंडर थाई सपोर्ट कितना बढ़िया मुझे मिल रहा है, सीट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, और आप हाइट जो है ना उसको मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, तो मुझे लगता है फ्रंट की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं रियर सीट में, और वहाँ का जो स्पेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना मिलता है, और पीछे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट हो गई है, अब पीछे बैठ के हम देख लेते हैं कि आपको कितना स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ देखिए, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आपके जो हेडलैम्प्स उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाता है, और नीचे आपको ABC पैटर्न में 3 पैडल्स मिल जाते हैं। तो रियर सीट में हम चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कितना स्पेस आपको मिल जाता है। डोर पैनल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पावर विंडो का बटन मिल जाता है, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल, तो ये हो गया। सीट्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी है, सीट काफ़ी वाइड है, और इसमें आप देख सकते हैं एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। अब इसमें बैठ के हम देख लेते हैं कि कितना स्पेस आपको मिल जाता है रेनो ड्राइवर में। अब यहाँ देखिए यार स्पेस कितना बढ़िया मुझे मिल रहा है। अब ये जो सीट है ना इसको मैं पीछे स्लाइड भी कर सकता हूँ और आगे भी स्लाइड कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखिए मैंने थोड़ा आगे स्लाइड कर लिया इतना, आप देख सकते हैं फिर भी जो है ना लेग रूम काफ़ी बढ़िया मुझे मिल रहा है। अब अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, नीचे लेग स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। अब फ्लोर की अगर बात करें तो आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी आपको मिल जाता है। अब ये जो कंट्रोल है आपके जो रियर एसी वेंट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉल माउंट भी दिए हुए हैं, और देख सकते हैं आपको उस साइड भी दिया हुआ है, तो ये दो आपको हो गए सेकंड रो के लिए, और पीछे आपको थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। तो सीट काफ़ी वाइड मिल जाती है, 3 पैसेंजर इसमें इजीली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो कंफर्ट यार काफ़ी बढ़िया इसमें मिल जाता है, और रिक्लाइन एंगल भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, साइड में इसमें आपको बटन दी हुई है आप वहाँ से सेट कर सकते हैं।
तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ क्या बात है, सेकेंडरी लैम्प भी मिल जाता है। अब कई कंपनीज एक लैम्प देके भूल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंडरी लैम्प भी मिल रहा है। और थर्ड रो तक आपको जो है ना एसी वेंट्स मिल रहे हैं, जिसकी कूलिंग काफ़ी बढ़िया है। अब इसमें आपको सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए एक प्रॉपर जो यूनिट है, यहाँ आप देख सकते हैं, इस सीट के नीचे आपको एक यूनिट मिल जाती है एसी की, जो डेडिकेटेड सेकेंड और थर्ड रो के लिए काम करती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रंट रो की जो एसी है उसी को खींच के दूसरी जो कार से, उसमें ऐसा होता है, इसमें आपको प्रॉपर एक यूनिट मिल जाती है। तो ये हो गया, तो स्पेस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है यहाँ पे हमने देख लिए। अब जो थर्ड रो है उसके मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको जाना है। ये जो सीट है टम्बल डाउन हो जाती है, वो भी हम देख लेते हैं कि आपको थर्ड रो में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो सीट है वो टम्बल डाउन हो जाएगी। और पीछे आप देख सकते हैं इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाता है। सीट यार काफ़ी वाइड है, दो पैसेंजर तो इसमें इजीली बैठ सकते हैं। और हेडरेस्ट जो है ना वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यार स्पेस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है, और आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो पीछे जो है ना काफ़ी मज़े की चीज़ है कि यार स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है कॉम्पैक्ट कार में। तो दूसरी जो कार से ना उतने तो स्पेस जो आपको ड्राइवर में मिल रहा है इतना तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये हो गया, तो अब देख लेते हैं इसके जो इंजन है उसको ओपन करके कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, आप इसको जैसे पुल करेंगे तो आपका इंजन भी ओपन हो जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये है रेनो ड्राइवर का 1 लीटर का 3 सिलेंडर एनर्जी सीरीज़ का पेट्रोल इंजन। अब इसकी अगर पावर की बात करें तो इसमें आपको 71 BHP का मैक्सिमम पावर मिल जाता है। और इसमें अगर देखें आपको टॉर्क कितना मिलता है, तो 96 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब यार डुअल VVT टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है, तो पावर का तो इसमें बिल्कुल आपको कमी नहीं मिलने वाली। जितना पावर आपको नीडेड रहेगा ये इंजन आपको निकाल के देगा। और अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 20 KMPL का ARAI के साथ में क्लेम्ड माइलेज भी मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ABS/EBD की आपको यूनिट मिल जाती है, ऐसा कुछ आपको लेआउट मिल जाता है। तो पावर और परफॉर्मेंस जो है ना काफ़ी आपको डिसेंट इसमें मिल जाता है। 3 सिलेंडर इंजन है, आपको NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलेशन भी दिया है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो देखा आपने रेनो ड्राइवर का जो RX-Z वेरिएंट है यार, उसमें फीचर्स आपको कितने बढ़िया मिल जाते हैं। और जो न्यू सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं उसके बाद में, तो इसकी जो सेफ्टी है उसमें यार बिल्कुल चार चांद लग गए हैं। क्योंकि रेनो ड्राइवर जो है ना पहले ही एक जो सेफेस्ट जो 7 सीटर थी वो थी, लेकिन अब जो न्यू सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं उसके बाद में ये और ज़्यादा सेफ हो गई है। अब प्राइसिंग की बात करें तो वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। तो इसके अगर एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो 8,22,000 में ये आपको एक्सशोरूम आ जाती है। और इसके अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यार 9,29,000 में ये ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है, यार इस प्राइस में ना हैचबैक आती है, लेकिन रेनो में आपको एक 7 सीटर मिल रही है जिसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया है, और जो सेफ्टी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यार सबसे बेस्ट अगर इसको MPV बोला जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी लेवल्स काफ़ी बढ़िया है, अंदर जो इंटीरियर स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया है, और परफॉर्मेंस और जो आपका जो माइलेज है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल रहा है रेनो ड्राइवर में। तो चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही। तो कैसी लगी ये कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, कार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।